बच्चे हम आपके रिवीजन में कर रहे हैं आपका क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट चैप्टर की रिवीजन तो बच्चे आप इस चैप्टर में क्रॉप के बारे में पढ़ते हो तो सबसे पहले आपने बच्चे इस चैप्टर में पढ़ा था इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड अवर ग्रोइंग पॉपुलेशन वी नीड टू अडॉप सर्टन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसज तो जो हमें क्या है बच्चे मतलब हमारी जो पॉपुलेशन है वो ग्रो हो रही है तो हम उसके लिए क्या करते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिस अडॉप्ट करते हैं तो बच्चे क्रॉप की डेफिनेशन पढ़ी थी हमने इस चैप्टर में तो सेम काइंड ऑफ प्लांट ग्रोन एंड कल्टिवेटेड एट ए प्लेस ए कंस्टिट्यूट ए क्रॉप तो सेम प्लांट को जब भी आप कल्टीवेट करते हो ग्रो करते हो एक ही प्लेस पे तो उसको क्रॉप बोलते हैं बेटा इन इंडिया क्रॉप्स कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज इंटू टू टाइप्स ऑफ बेस्ड ऑन सीजन रबी एंड क्रीप तो इंडिया में क्या है टू टाइप्स ऑफ क्रॉप्स हैं तो मतलब टू टाइप्स ऑफ क्रॉप्स हैं जिनको आप जैसे रबी एंड क्रीप तो ये टू सीजन क्रॉप्स हैं यहाँ पे तो इट इज़ नेसेसरी टू सॉयल बाय टिलिंग तो इसमें क्या होता है कुछ प्रोसेस फॉलो होती है जो हमारी जब भी हम क्रॉप की प्रोडक्शन करवाना चाहते हैं तो टिलिंग एंड लेबलिंग तो ये सारी प्रोसेस हम फॉलो करते हैं प्लो एंड लेबर आर यूज दिस पर्पस तो नेक्स्ट इसके बाद क्या स्टेप होता है बेटा सोइंग तो सोइंग इज अप्रोप्रिएट डेप्थ एंड डिस्टेंस गिव्स गुड जील तो क्या किया जाता है सोई में आप उसको प्रॉपर डिस्टेंस प्रोवाइड करते हो ठीक है गुड वैरायटी ऑफ सीड्स को सिलेक्ट करके उसकी हेल्थी सीड्स को सोइंग इज डन बाय सीड ड्रिल तो सीड ड्रिल की हेल्प से उनको डन करते हो तो सॉयल नीड्स रिपोर्निशमेंट एंड इन थ्रू द यूज़ ऑफ ऑर्गेनिक मनॉर एंड फर्टिलाइजर्स यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स हैज़ इनक्रीड इंटरिसली विद द इंट्रोडक्शन ऑफ़ न्यू क्रॉप वराइटीज तो आप क्या करते हो उसमें सॉयल को में ऑर्गेनिक मनॉर को डालते हो फर्टिलाइजर्स को डालते हो ताकि आपकी क्रॉप की जो झील्ड है वो हाई हो सके तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में आप कुछ स्टेप फॉलो करते हो फ्यू इंचेस ऑफ द टॉप सॉयल इज़ लूज एंड टर्न प्लोइंग तो इसके लिए प्लोइंग और टिलिंग का यूज करते हो वेट स्कोर मूव करते हो ठीक है तो बड़े बड़े क्रैंप्स होते हैं उनको ब्रेक डाउन करते हो तो फील्ड इज लेवल्ड फॉर सोइंग तो उसको लेवल प्रोवाइड करते हो फिर क्या करते हो उसको वाटर सप्लाई करते हो जो जब भी हम उसको वाटर सप्लाई करते हैं तो इसको इरीगेशन बोलते हैं बेटा नेक्स्ट इज वीडिंग जो उसमें मतलब एक्स्ट्रा जो होते हैं वेड्स वेड उसमें प्रोड्यूस हो जाते हैं ठीक है तो उसको आप रिमूव करते हो अनवांटेड अनडिजायरेबल प्लांट्स होते हैं उसको वेड्स बोलते हैं बेटा हार्वेस्ट करते हो फिर उसको जब भी वो मच्योर हो जाती है तो सेपरेशन ऑफ द ग्रेन फ्रॉम द चैप इज कार्ड थ्रैशिंग तो अब आप उसमें प्रोसेस करते हो बेटा जो हमारे ग्रेन्स होते हैं उनको अलग करते हैं हम चेप से तो उसको थ्रैशिंग बोलते हैं बट प्रॉपर स्टोरेज ऑफ ग्रेन इज नेसेसरी टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्टिस एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारी क्रॉप uh, है उसको ग्रेन्स को हम प्रोटेक्ट करते हैं पेस्ट मैक, से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फूड इज आल्सो ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स फॉर विच एनिमल आर रियर दिस इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री तो फूड जो होता है वह हमें एनिमल से भी मिलता है तो उसको क्या बोलते हैं एनिमल हसबेंड्री बोलते हैं तो फर्टिलाइजर्स दी ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग न्यूट्रिय सच एज इन नाइट्रोजन पोटाशियम एंड फॉसफोरस दे आर मेड इन दी फैक्ट्रीज एग्जाम्पल यूरिया अमोनिया सल्फेट पोटाश तो उसको क्या होते फर्टिलाइजर्स यूज करते हो बेटा तो ये न्यूट्रियट प्रोवाइड करते हैं हमारी क्रॉप्स को तो आपको पता ही है बेटा हमारी क्रॉप्स को जो उनकी डिवेलपमेंट के लिए ज़रूरत पड़ती है जैसे हमारी एग्जाम्पल्स होगी यूरिया तो नेक्स्ट इज कल्टिवेटर Used for plowing the soil and is driven by a tractor. This helps to save time and labor. तो so, कल्टीवेटर का यूज़ करते हो आप बेटा तो वो क्या करते हैं आपका सेव टाइम करता है ठीक है दिस हेल्प टू सेव टाइम एंड लेबर हु का यूज़ करते हो फॉर मूविंग ऑफ सॉयल एंड रिमूविंग वैड्स तो so, इरिगेशन आपको पता ही है बेटा वाटर प्रोवाइड करते हो इसके भी बहुत सारे मेथड्स हैं ट्रेडिशनल मेथड जैसे आप मॉट चैन uh, डेकली ये सारे यूज करते थे मॉडर्न स्प्रिंकल ड्रिप्स ये सारे सिस्टम आप यूज करते हो हार्वेस्टिंग दी कटिंग एंड कलेक्टिंग ऑफ द मच्यर क्रॉप फ्रॉम द फील्ड हार्वेस्टिंग इन अदर कंट्रीज एदर डन मैनुअली बाय सिक्कल और मशीन कार्ड हार्वेस्टर तो हार्वेस्टिंग कट करना क्रॉप को जो हमारी क्रॉप मच्योर हो चुकी है तो नेक्स्ट इज स्टोरेज स्टोरेज इज लास्ट स्टेप हारवेस्टर फूड ग्रेन्स नॉर्मली कंटेन मोर मॉइस्चराइजर दैन रिक्वायर फॉर स्टोरेज लार्ज स्केल ऑफ स्टोरेज ऑफ ग्रेन इज डन इन दी सिलोज ग्रीनरीज टू प्रोटेक्ट दैम फ्रॉम लाइक पेस्ट रैट्स इंसेक्ट तो बच्चे उनको प्रोटेक्ट करते हो उसके ऊपर स्प्रे डालते हो ठीक है तो उन जो इंसेक्ट्स वहाँ पे ना आ सकें तो मनयोर तो मनयोर क्या होता है बेटा नेचुरल सब्सटेंस होता है जो प्रिपेयर करता है डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स एनिमल वेस्ट तो जो आपको मिलता है बेटा एनिमल वेस्ट से प्लांट वेस्ट से बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स तो ये सारा हमने इस चैप्टर में पढ़ा है बेटा ये आपके क्वेश्चन आंसर्स आपने करने हैं यही टॉपिक से आपको क्वेश्चन आंसर आएंगे बेटा ये सारा चैप्टर आपका डिस्कस हो चुका है थैंक यू